वो जो सर है ना पानी सर की दीदी ने देख जिनके बाइट लिए ना उनका तुम कर जा कर इसकी सूचना मिली थी और क्या सूचना प्रेमनाथ जी को लगभग 9:15 के आसपास ये सूचना मिली है यार भाई तू सब डिवीजन में भीमड़ा के पास कोई शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है लोकल्स ने उसको सपोर्ट किया है उसके बाद मैंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और उन्होंने भी बताया कि उनका एक प्लेन रडार से अभी नहीं आ पा रहा है बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि उनका MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो यहाँ भीमड़ा के पास में क्रैश हो गया है और अभी मौके पे इंक्वायरी जारी है उसके बाद ही विस्तृत जो जानकारी इसमें सामने आ पाएगी सर क्या सूचना कहाँ से ये उड़ान भरी थी और जो दो शहीद हुए हैं पायलट और कॉपरेट उनकी नाम कोई विस्तृत जानकारी सामने आ पाई इस संबंध में अभी एयरफोर्स अथॉरिटीज ही कुछ आगे कह पाएंगी क्योंकि उनकी इंक्वायरी चल रही है तो हम साइट से भी अभी लोगों को हटा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि उनको इंक्वायरी में जो जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ पाए कि क्या कारण रहे किस वजह से सर कहाँ से उड़ान भरी थी कुछ जानकारी मिली इस संबंध में एयरफोर्स अथॉरिटीज़ से हमने कोई जानकारी अभी नहीं ली है क्योंकि हमारा जो मौके पे मेन मोटिव है कि अभी इंक्वायरी लेनी है मौके पे की जा रही है देने जी थैंक यू सर क्या नाम है आपका और क्या पूरा हादसा हुआ था और क्या आपको मिला मेरा नाम हनुमान सिंह है मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ यहीं ईसर मगधला का निवासी हूँ यहाँ से मेरा घर 500 मीटर दूरी पे है लगभग 9:05 पे मेरे घर के ऊपर से एक विमान है वो जोरदार आवाज आई तो हमने देखा तो उस समय तो आग लगी हुई हमें तो नजर नहीं आई लेकिन जब ये गिरा ना उस समय आग के मतलब शोले के रूप में बदल गया कितना गोला कितना था आग का यहाँ तो वो मतलब बहुत आग लगी हुई थी लेकिन जब हमारे यहाँ से 500 मीटर घर है उस समय था तब तो हमें तो आग का गोला दिखाई नहीं दिया लेकिन वो आवाज बिल्कुल जोरदार थी बिल्कुल नीचे विमान आ रहा था और फिर यहाँ गिर गया गिरने के जस्ट 2 या 5 मिनट बाद हम आ गए थे मैं और मेरा लड़का और मेरे दो छोटे लड़के थे तब यहाँ कोई नहीं था हम आए तब डेड बॉडी एक तो इस साइड में पड़ी हुई थी और एक इस साइड में और विमान जल रहा था लेकिन सुबह की बॉडियां दोनों बाहर पड़ी थी विमान से और एक बॉडी तो जल रही थी और एक बॉडी है वो जली जल नहीं रही थी जो जल रही थी उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत मिट्टी डाली जैसे कि वो बुझ गई और उसके पास ही एक घड़ी पड़ी थी और जो घड़ी मैंने उठाई देखा तो उसमें 9:10 का समय था लगभग और घड़ी अब बंद थी और उसके बाद में हम दूसरी बॉडी के पास गए तो दो मोबाइल बिखरे हुए पड़े थे और एक पर्स पड़ा हुआ था जो हमने उठाया मैंने बाद में भीड़ हो गई थी तो कोई हो सकता ले जाए जो हमने अभी है वो एसपी साहब को दिए एक दो मोबाइल थे एक पर्स था और एक घड़ी थी आपको डर नहीं लगा जिसमें ये धमाका डर तो सर ऊपर से निकली तब तो हमने देखा हमारे घर के ऊपर गिर जाएगी लेकिन सौभाग्य था कि वो ये टिब्बा था बीच में नहीं तो आगे तो बिल्कुल 50 मीटर के दो घर है लेकिन उनसे पहले ये टिब्बा होने के कारण यहाँ है वो दस करके गिर गया तो मतलब ज्यादा नुकसान हो सकता है नुकसान कोई बाकी कोई नहीं हुआ ये जो हुआ तो यही हुआ है बाकी कोई जन धन नहीं यहाँ बाकी की नहीं हुई कुछ